कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया एकदम बढ़िया। रंगू भी आ गया। आशीर्वाद दे पंडित जी का। हाँ, उसने भी पैर छू दिए। दे दे इसको। जैसे ही सूर्य आए स्वा सिर में लगे वह सूर्य पकौड़े। कोई कोई पकौड़े नहीं है, बड़े पहाड़ियों के बड़े होते हैं वो शगुन के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आज मेरी हमारी सॉरी अम्मा का श्राद्ध है, तो पापा ने बुआ लोगों को सबको बुलाया है। वैसे पंडित जी 11 बजे आने वाले थे, फिर आई थिंक कुछ हुआ गया, बात वगैरह हुई पापा से, तो पंडित जी ने कहा मैं 8:30 बजे तक आ जाऊंगा। वैसे अभी 9 बजने वाले हैं। ऐसे अच्छा ही हुआ, सब काम वाम खत्म हो गया, तो पंडित जी अब भी इस काम पूरा फिनिश हो रहा है, लास्ट लौट गया है। अभी पंडित जी की बेल बजे, टिंग, पंडित जी आ गए, पंडित जी भी आ गए, चाचा चाची भी आ गए, बुआ फूफा जी भी घर से निकल चुके हैं। चाचू हाय बोलो। कैसे हो? रंगो भी आ गया। हाँ, उसने भी पैर छू दिए। चलो चलो चलो। हे प्रतीक, इतने दिनों बाद कैमरे में आ रहा है, आई तो बोल दे। इतना के काम देखो, जिसके चुन्नी घर में तो बस लटकता हुआ कुछ देख ही नहीं सकता। चुन्नी छीनी भी चाची ने मफलर बना दिया। रेंगो के डर के मारे यार डैडी सो को क्या करना पड़ रहा है। बहुत दिनों बाद आ रही हूँ व्लॉग में। चाची आई थी ना पिछली बार व्लॉग में, एक महीने पहले आई थी। हाँ, राखी में आए थे, एक महीने बाद आ रहे। तबियत खराब है, याची की याची के पैरों में दर्द हो रहा है। और वहाँ अंदर याश्री नहा रही है अभी। मैं बता रहा हूँ, याश्री नहा रही है अभी। और हेमू, ओ हेमू कह रहा हूँ, पीयूष नेहा कितनी देर में आ रही है? कॉल नहीं उठा, जा रही होगी, जा रही है वो भी। तो हेमंत की दादी को गए हुए मेरे ख्याल से कितने साल हो गए होंगे, 12-18, काफी साल हो, 2006 में नहीं, तुम्हारे मम्मी की शादी के 5 साल बाद दादी की डेथ। नहीं यार, मम्मी ने तो ये बताया था, अब जो नहीं, नहीं, नहीं। तो हेमंत की दादी को गए हुए काफी 20-21 साल तो हो गए होंगे मुझे लगता है। तो उनका श्राद्ध पिछले साल चाचा लोग किया था, क्योंकि पापा शुगर के मरीज हैं, तो पिछली बार पापा ने किया था, बट इस बार पापा ने श्राद्ध कराया। तो पिछली बार हमें चाचा लोग किया था, मैंने शायद आपको ब्लॉग में दिखाया होगा, मेरे को इग्नोर करना मेरे बाप थोड़ा सा। अभी तो यहाँ पर जो हमारे वहाँ श्राद्ध में सामान लगता है, जैसे कि फूल हो गया, यहाँ पर दही हो गया, चावल हो गए, घी हो गया, गाय का दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये पंडित जी को जाता है, तो ये सब हमने यहाँ पर लगा के रख दिया है। मतलब मैंने नहीं लगा, मम्मी ने लगा के रख दिया है। उसको दूर कर। हाँ, वही देख रही थी। अभी पंडित जी आएंगे, यहाँ पर श्राद्ध वगैरह होगा। तो फिलहाल तो हमारा रंगो इतना परेशान करता है ना, कुछ कर नहीं देता, परेशान करता है। चाचू के पास, चाचू भाई, चाचू हाँ जाओ। बाबू हम नहीं देंगे तेरे को छोड़ के। इतनी टेंशन हो गई, हम जा रहे करके, कल रात कितना चिपक के सोया था बिल्कुल, और इतने घर्राटे मार के सुबह जब मैं उठी हूँ तब जाके ये भी उठा। पूरी रात ब्लैंकेट में था, पूरी रात मेरे से चिपक के सोया हुआ था। समझ आता है ना, इसके बाद मेरे सर के वहाँ तिरछा सो जाता है, सांप की तरह, पैर इसकी तरफ को होते, मुंह मेरी तरफ को होता है, दोनों को टच करना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। आज हमारी छोटी बहू किचन में काम करने गई। छोटी बहू ने क्या बनाया है? छोटी बहू क्या ये क्या दूध है वाली है? अरे तूने बनाया पता क्या है? दूध है, हाँ, सब्जी है, हाँ, एक मिनट, कौन सी है? वेरी गुड वेरी गुड। एक फैक्ट्री से उठा के, और पकौड़े, पकौड़े नहीं है, बड़े पहाड़ियों के बड़े होते हैं वो शगुन के। अरे ज्यादा बड़े बोलते हैं, पकौड़े नहीं बोलते, क्या पहाड़ी है तू? बड़े मैं बता रही, छोटे का तो कुछ नहीं आता। इसमें है चावल, ये चावल हमारे यहाँ ना पिंड बचते हैं, पितरों को पिंड आता है, तो पिंड के लिए यूज हो रहा है। जो बाकी है जो हम लोग के लिए बनेगा, पहाड़ियों में श्राद्ध में चावल जरूर बनता है, चावल हो गया, मांस और चने की दाल होती है वो जरूर बनता है, वो नेसेसरी होता है। और हमारे यहाँ ये बड़े होते हैं उड़द के, कोई भी शुभ कार्य हो या कोई भी पूजा पाठ कुछ भी हो घर में, तो हमेशा बड़े शगुन के ही बनाओ चाहे चार, पर कहते हैं कि बनाने चाहिए। आजकल उसकी जगह पर ऑलटरनेट पकौड़ी बनाते हैं, बट ये पहले से जरूर बनते थे बड़े हमारे यहाँ। हाँ, पहाड़ी ट्रेडिशन है ये है आपकी मिक्स वेज यहाँ पे। अच्छा, झूम कर दिखाओगे? और ये खीर इधर से, मतलब वही जो पिछली बार बना था, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि श्राद्ध लगभग सेम ही खाना बनता है। नहीं, ये दाल है, ये है दाल जिसकी मैं बात कर रही थी ना, ये वो दाल है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बेटा श्राद्ध कर रहा होता है, वो एक दिन पहले खाना नहीं खाते, सिर्फ रात के टाइम पे, या फिर दिन में एक, मतलब पूरे दिन में एक टाइम खाना खाना होता है। सबको पता है, सब किस में होता है क्या ये? और क्या, पहाड़ों का अलग ही क्या होता है? मुझे लगा किसी हमारे वहाँ होता है, मुझे पता नहीं था ऐसा।
तो ठीक है जो भी मजाक उड़ा रहे मेहनत की वो टेंशन में आ गया जब से मैंने थोड़ा सा अपने कपड़े सूट पहने तब से रहेंगे बस कुछ एक हफ्ते की बात और है बस एक हफ्ते की नहीं 15-20 दिन की बात नहीं नहीं सामान तो ले जाना पड़ेगा ना क्योंकि सामान अगले महीने अंदर पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ भक्त आगे बैठ के सिर में लग रहे सूर्य भगवान जी के चढ़ दिया मणि की लक्षण हमारे घर में एक मैकेनिक भी है परसों वो कह रहा था ना कारपेंटर कह रहे आप ड्रिल कर लेते हो जब हेमंत ने बोला मेरे पास ड्रिल मशीन है भैया ये सब तो मैं खुद ही कर लेता हूँ कह रहे आप ड्रिल कर लेते हो कह सब कर लेते हैं पुट्टी भी कर लेता है ये नहीं नहीं ड्रिल ड्रिल तो मेरे कहा पुट्टी भी कर देता है भैया पेंट भी कर देता है सब कर देता है आप आके देखो हमारे वहाँ दिल्ली में फिर पता चलेगा आपको ऑलराउंडर है ये हाँ खुद ही यहाँ सब खुद से करते हैं हाँ सब तभी तो चौक रहा था कह रहा था खुद से कर लेते हैं हमने कहा हाँ खुद से करते हैं तो हमारा ये जो ये रखने वाला है ना पुराना हो गया था काफी तो ये अभी निकलने लग गए हैं इसके देखिए ये बर्तन रखने वाला ये सारे तो हेमंत पेस्ट से इन सबको टाइट कर रहा था एक कहाँ गया हेमंत एक गायब है वो एक मिसिंग है पहले से मिसिंग अच्छा मिसिंग है वो ठीक हो गया ना हो गया टाइट हो गया गाइस यहां पे पूरियां बन रही है आएगा बोल देती हूं आधे भटक गए मुंह में बनी अटका हुआ है सब्जी का क्या करते हैं भूख लगी सुबह सुबह एक नया बन ले रहे हैं चॉकलेट वाला बड़ा टेस्टी था अरे उसका ऐड देखा था उसमें आ रहा था मैं कल मूवी देख रही थी बीच बीच में आ रहा था तो आज मैंने कल फ्रीजर खोला फ्रीजर में दिखाई दे मैंने मुझे अरे बन है मैंने तो चॉकलेट निकालने के लिए खोला इसने बोला कि ये बन पड़ा है यहाँ पे मेरी नजर ही नहीं गई उस पे चॉकलेट तो मैंने हमें टिकती ही नहीं है चॉकलेट तो आते ही नहीं बट मेरी नजर नहीं पड़ी थी इस पे अभी अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे कौन आया ओहो रेंगो इतना को आ रहे यार वो नमस्ते कैसे वो बढ़िया और नया नमस्ते अरे वो पहले कह रहा है कि खा पहले मेरे को दे पन्नी में जो भी पड़ा पहले उसको दे कह रहा है तो नमस्कार बढ़िया आप भी इंतजार कर रहे थे फौजी ने आया अभी तक फौजी में कैमरा फोकस कर डाला है और क्या फौजी इसको बड़ी करने गए तो अपने उसके लिए भतीजे के लिए क्या भतीजे होगा ना क्या केले देख देख रहे हो फौजी नमस्कार इसको मिल लो भाई इसको मिल लो रेंगो अरे रेंगो यार तेरे से नहीं मिला मैं रेंगो इतनी शैतानी क्यों मैं आगे पीछे पड़ गया हो तो बिल्कुल ही अभी मेरे पीछे पड़ा था रेंगो क्या हो गया बाबू नहीं नहीं एक्साइटमेंट हो जाती है उसको ज्यादा पूजा संपन्न हो गई है पापा सबको फूल रख रहे हैं सर में जो पूजा के फूल होते हैं ये सब और यहाँ देखो एक ही बेड में पूरे भेड़ बकरी की तरह सब लगे हुए हैं उसका प्रसाद ठीक ठाक और ये जो जब आते हैं हमारे यहाँ तो जब आते हैं वो तो पूजा के बाहर बैठा हुआ था आपके और सबकी आवाज बंद होगी व्लॉग खुलते ही सब चिल्लाने में लगे थे क्या हुआ अच्छा मैं ध्यान ही नहीं दिया वो स्टूल में बैठो ना फिर स्टूल में बैठो मजाक उड़ाने आगे देखो उसे समझ गई क्या बोल रहे हो तुम घर से निकलते समय व्लॉग बनाना भूल गई ये शीशा लेने के चक्कर में क्योंकि ये तो शीशा था और रेंगो को बच्चों को पकड़ाया नेहा लोग कह रहे भाभी जल्दी जाओ रेंगो मार नहीं रहा अच्छा खोल दो पहले व्लॉग तो मारे तो इतना भारी हो गया क्या मैं तब से गोदी में ला रही हूँ देख रहे हो तब से मैं गोदी में लेकर आ रही हूँ अकेले उसको तो ये हुआ कि अच्छा चलो तो पहले मैं रख देती हूँ यार रुको तो अभी प्लान चेंज हो गया इसको आगे की जगह हम पीछे रख के ले आएंगे क्योंकि आगे वाला जो शीशा है वो बहुत बड़ा है वो अगर एक बार देख उसे खोल के कहीं चटका तो नहीं बाइक में क्योंकि बाइक में भी कई जगह धक्के लगे थे नहीं नहीं बाइक में तो मैं ऐसे पकड़ा था वाला बड़ा वाला कह रहा हूँ बड़ा वाला देख ले अभी दो इसको आगे रख चटकेगा बार बार खोल रख आगे रख सीट पे रख इसे चलो अभी
चाबी ले पागल बना रहा क्या चाबी क्या चाबी क्या मैं कह रही गाड़ी में देखने के लिए अभी देखो चाबी निकाल के सोचू कि ऐसा कैसे हो कि बिना चाबी के ऊपर आ रहा है शीशों के चक्कर में देख रहे हो आप शीशे कैसे निकल रहे हैं बाहर इतने सेफली लेके आना पड़ रहा है ना। हाँ सही रख दो। अच्छा हमारे साथ अंकल लोग भी आए थे पापा के फ्रेंड आए थे उनकी वाइफ और बेटी जो मैंने बताया था ना देखो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये बालकोनी हमारी है ये बालकोनी अंकल लोगों की अंकल अपने घर में चले गए ये वाला फ्लैट जो है मैं दिखाती हूँ अंदर गए हैं अभी जस्ट ये लोग ये रहा ये अंकल लोगों ने ले रखा है वो हमारा जहाँ हम रेंट पर रह रहे हैं वो है तो वो पापा के फ्रेंड ही हैं तो अंकल लोग भी हमारे साथ ही आए थे गाड़ी में बैठती ब्लॉगिंग नहीं बना पाई गोदी में शीशा हो गया था इस चक्कर में अंकल चलो छोड़ो कोई बात नहीं बता दूंगी आप लोगों की वो लोग भी साथ में आए थे आगे सही से टूटा नहीं ना थैंक गॉड मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कहीं टूट ना जाए बच गया बच गया। अब मत खोलो कहीं अपना कुछ हो जाए ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो दिल्ली में लगे रहते हैं वो गोल चक्कर में गोल गोल पार्किंग वाले पे और जिधर से वो देखना होता है वो गाड़ी। हाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं अंकल लोगों का घर देखने चले कैसे जगह कितनी है हमारे पास मैं बनाती हूँ ये क्या हाल है जगह के हमारे ये देखो ये सारा कैसा इकट्ठा कर रखा है वो वहाँ देखो गरीब लोग हैं गरीब लोगों के साथ ऐसे ही होता है हम गरीबी में जी रहे हैं भाई अमीर बनेंगे बहुत ज्यादा गरीबी भयंकर गरीबी मेरे को रैंको की याद आ रही है रैंको। हाँ यार हम रैंको को पता है छत पे लेके गए ताकि वो हमें देखे और उदास ना हो इसलिए हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि सबसे मिल रही थी और इसी बीच में बच्चों ने कहा भाभी जल्दी आओ आराम से आराम से इधर से खुला हुआ है रैंको रुक नहीं रहा इस चक्कर में रिकॉर्ड तोड़ दिया है नोएडा ने ब्लॉग सोचते क्या बनाओ क्या बनाओ दूसरे कल थी धूप ना कल धूप थी और आज फिर से बारिश है मतलब कल तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक हो जाएगा यहाँ मौसम ऐसा तो वीडियो में तो पता नहीं चल रहा कि बारिश हो रही है लेकिन है बारिश है ये देखो आप यहाँ देखो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा अगर तो आपको अभी कम हो रखी ना सुबह से कम हो गई बारिश यहाँ पर डेली बारिश होना मैंडेटरी है मतलब इधर के एरिया में ये कि जैसे बारिश दिल्ली में कहाँ हो रही है रोज नहीं है यार में बारिश हो रही है दिल्ली में बारिश हो रही है नहीं परसों पापा से बात हुई थी तो पापा कह रहे थे कि नहीं थी बारिश लगी कोई पहाड़ों में थोड़ी अरे पर यहाँ पे डेली आती है ना सुबह सो के उठो देखो बाहर बारिश चल रही होती है और दिन भर चलती है ऐसा भी नहीं है दिल्ली के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ठंडा है ठंडा है कंबल लेकर आ गए हम तो दिल्ली से अपना उठा के ग्रीनरी ज्यादा है तो इस वजह से हेमंत और मैं कंबल लेकर आ रहे रात को कंबल ओढ़ के सोते इतना ठंडा हो गया हमारे लिए तो यहाँ पे तो चलो जी गाइस अभी इस व्यू के साथ आप देख लो ठंडा ठंडा व्यू के साथ व्लॉग का एंड करते हैं जरा पकड़ लो कैमरा कुछ मेहनत कर लो चलो गाइस हम लोग करा रहे हैं अपने घर का काम क्या हो रहा है वो दो तीन दिन बाद दिखाऊंगी आपको फिलहाल इस व्लॉग का एंड करते हैं अगले व्लॉग में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर आनंद ले लो आप लोग भी अरे परेशान हो गया अब देख लो परेशान हो नहीं दिख रही अभी भी उतनी दिख रही है।